नारी शक्ति का पूजन होता है, ये सही है, क्योंकि नवरात्रों में नौ लड़कियों का, जिसको बालिका पूजन किया जाता है, ये पूजन इतना महत्व है, लेकिन तो भी एक श्रेणी इंसान जो मानव जाति को टेक्नोलॉजी का नाम पे धोखा दे रहा, जैसे कोई स्त्री भ्रूणों को मारने का कोशिश कर रहा, और ऐसे भी है स्त्री जाति को असम्मान करता है। ये उसका बाद और एक श्रेणी है जो नॉर्मल होने का बाद भी सीजारिन करके उसको, ओ नारी जाति का जो शक्ति उसको भी ख़त्म किया जाता है, क्योंकि सीजारिन तो सीजारिन होता है, वो तो बड़ा ऑपरेशन होता है, लेकिन नारी शक्ति को विलुप्त करने के लिए, शक्ति को ख़त्म करने के लिए जो प्रयास चला रहा एक श्रेणी, सभी नहीं है, एक श्रेणी इसी में, लेकिन आदिवासी समाज खास करके सांताली जाति का ऐसे रीति रिवाज है जो ये इंसान जाति का जो हर नारी पुरुषों का समान रेस्पेक्ट करते हुए समाज को आगे बढ़ाता है, ना कोई टेक्नोलॉजी का लोभ, ना ये दुनियादारी का लोभ, सभी को अच्छा ढंग से जो असलियत उसी को बचा के रखने का कोशिश जारी है, लेकिन एक श्रेणी जो इसी को भी ख़त्म करने का प्रयास चला रहा, लेकिन जो अदृश्य शक्ति का पास बहुत ही पावर है, जो पावर को देव शक्ति से हम लोग पहचानता हूँ, जो हम लोग का शरीर का अंदर भी कौन सा जगह में छोटा सा चीटी वायरस में भी जब जान है, वो जान जैसे जीवित वस्तु हम लोग का शरीर में रहने से हम लोग जीवित है, और शरीर का एरिया से जो वस्तु बाहर हो जाएगा तो मृत घोषित हो जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं सोमनाथ हंसदा हर इंसान को ये सोचने का, समझने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी को नमस्ते।